स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है, ये ओबे करता है बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ को. बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या है जी, अब्सॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. ये इसका ऑन ऑफ स्विच है साइड पे, ठीक है जी. और ये इसका वेवलेंथ सेलेक्टिंग नोब है. ठीक है, यहाँ से आपको वेवलेंथ आपने सेट करनी होती है, जितनी भी करनी है, 324, 546 या 420. ये इसका डिस्प्ले है, ये इसका सैंपल चैम्बर है, ठीक है. यहाँ पे हम अपनी क्यूबिट्स रखते हैं और जो तो कलर्ड रिएक्शन जिसमें होता है, ठीक है, उसमें तीन टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि कौन कौन से टेस्ट हैं, वो ग्लूकोज का हो गया, लिपिड प्रोफाइल और LFTs, ठीक है. वो सारे जो है ना, उसमें हम तीन क्यूबिट्स यूज़ करते हैं, ब्लैंक, स्टैंडर्ड, टेस्ट. सबसे पहले ब्लैंक आती है, फिर स्टैंडर्ड आती है, और फिर टेस्ट आती है, ठीक है. फिर हम इसको बंद करते हैं और यहाँ से ये जो 100 है ये शो करता है ट्रांसमिटेंस को. टी जब 100 होगी तो ए जो है वो 0 होनी चाहिए और ये ब्लैंक पे होना चाहिए. ब्लैंक को हम एज अ कंट्रोल के तौर पर यूज़ करते हैं. इसको 100 करने के लिए हम 100% प्रेस करेंगे तो हमारी एब्जॉर्बेंस 0 हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद हम इसको प्लंजर को पुल करेंगे तो हमारे पास रीडिंग स्टैंडर्ड की आएगी. जो हमारे पास रीडिंग आएगी उसकी हम एब्जॉर्बेंस नोट करेंगे. उसके बाद इसी तरह हम पुल करेंगे तो फिर हम टेस्ट की लेंगे और उसकी एब्जॉर्बेंस मालूम कर लेंगे. और फिर वो जो कैलकुलेशन का फार्मूला है, एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है. कंसंट्रेशन नॉन होती है हमें पहले से वैल्यूज पुट करके, तो हम अपनी वैल्यू को जो है नॉर्मल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल AST की नॉर्मल वैल्यू होती है अप टू 35, तो हम उसके साथ अपनी वैल्यू कंपेयर करेंगे कि ये हाई है या लो है, तो वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उसके अकॉर्डिंग.